हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू फोर हैंड एजुकेशन सिस्टम। प्लीज कंफर्म इज माय वॉइस क्लियर। ओके, कंफर्म कर दीजिए क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। और दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता भी है कि CSIR की नोटिफिकेशन कल ही आ चुकी है। यस दोस्तों, CSIR एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भर दीजिए, आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए, जिससे कि आपका अगले महीने ही एग्जाम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 तारीख है। क्या समझ रहे हैं भाई कि फॉर्म भर दीजिए जल्दी से, आप सभी लोग समझ रहे ना। CSIR नेट का एग्जाम जिसको भी देना है, सभी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपका अगर कोई गड़बड़ी रह जाती है तो करेक्शन विंडो आपकी 2 दिन की रहती है, तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। बट अभी से ही सारी चीजें भर दीजिए। कई सारे बच्चे होते हैं जो वेट करते हैं एंड मूवमेंट का, तो आपको वो एंड मूवमेंट के लिए वेट नहीं करना है, राइट? आपको एंड मूवमेंट के लिए वेट नहीं करना है, फॉर्म अभी भर देना है। कल कल से स्टार्ट होगी, आप 1-2 दिन लेके फॉर्म फिल कर दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो भी मांगते हैं वो फिल कर दीजिए। कई सारे बच्चे, जैसे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे अगर आप OBC कैटेगरी के हैं या आप अदर कैटेगरी के हैं, तो आपको सर्टिफिकेट प्रिपेयर करा के रखना होता है। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं प्रिपेयर कराया, सर्टिफिकेट प्रिपेयर करा के अपलोड कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है भाई? चलिए, तो सेशन को हम कर देते हैं शुरुआत। तो आज के सेशन में हमको डिस्कस करने हैं 2 मॉडल ऑर्गन। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगी कि भाई मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इन द एंड हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट? इज इट क्लियर? तो अपन को इन द एंड क्या करने है, क्वेश्चन सॉल्व करने है और CSIR में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने है। गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज सी एलिगेंस एंड सी अर्चिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है सी एलिगेंस, इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज सी एलिगेंस। सी एलिगेंस, चलिए आप मुझे बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट सी एलिगेंस? ऑब्वियस सी बात है कि आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने पढ़ के ही रखा हुआ है, तो जरूर जरूर आपने इस एनिमल के बारे में, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा। मैं कुछ स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करता हूँ। ये स्मॉल, ट्रांसपेरेंट, सॉइल निमेटोड है। सॉइल निमेटोड, ये क्या है भाई? स्मॉल ट्रांसपेरेंट सॉइल निमेटोड है। ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये क्या है, सॉइल निमेटोड है। निमेटोड की कैटेगरी में जो हम हेलमिंथ से पढ़ते हैं, तो सिस्टोट्रिमेटोड निमेटोड की कैटेगरी यहां पे एग्जिस्ट करती है। उन्हीं कैटेगरी में से ही हमारा मेंबर है, सॉइल निमेटोड है। और ध्यान से समझिए, इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है भाई, कि ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, नॉन पैरासिटिक, नॉन पैरासिटिक, मतलब ये पैरासिटिक बिहेवियर नहीं शो करता। पैरासिटिक बिहेवियर शो नहीं करता है कि मतलब इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, आराम से सॉइल में ही रहकर अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेगा। इज इट क्लियर? ये आप क्या बोल रहे हो कि भाई ये सॉइल में रह के ही अपनी लाइफ कंप्लीट करेगा, ठीक है ना? गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया बात है। काफी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर टाइमली स्टार्ट हो जाएगा। यस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। यस, सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो अब हम इसके साइज की अगर और बात करें, तो 1 mm का साइज रहता है इसका। 1 mm का साइज है। अब देखिए, प्रॉपर्टी बताता हूं क्यों, क्या इसकी खास बात है, खास बात क्या है इस पर्टिकुलर सॉइल लिमिटेड की, दैट इज सी एलिगेंस। इसकी खास बात क्या है कि बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है। नंबर ऑफ सेल्स, इसकी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स है, दे आर 959।
959 नंबर ऑफ सेल्स है। पहले ही बता देता हूँ आपका ये सेशन है, इस सेशन का सीधा सा मोटो है कि हम 7 वीक में अपने CSR के 7 वीक बचे, हम 7 वीक में 7 यूनिट करेंगे। सो दिस इज 7 वीक 7 यूनिट चैलेंज। 7 वीक में 7 यूनिट्स को मैं कवर अप कराऊंगा। इस समय ये वीक चल रहा है अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, और मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में मैं डेप बायो खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। पूरी डिटेल्स आप सभी को शेयर कर दी गई है, सही है ना। इसकी बॉडी में अगर हम नंबर ऑफ जीन की बात करें, तो नंबर ऑफ जीन यहाँ पे 1900 रहने वाले हैं। नंबर ऑफ जीन क्या है? 1900। आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मेंशन कर रहे हैं तो 6 पेयर मेंशन करते हैं, 6 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 6 पेयर, राइट। ये कुछ इसके करेक्टरिस्टिक फीचर रहने वाले हैं। ओके, इज इट क्लियर? ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर रहने वाले हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन प्राइमरी ऊसाइट स्टेज पे होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है भाई? प्राइमरी ऊसाइट स्टेज पे। पहले ही बता देता हूँ, वो बच्चे जो CSR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन हेल्पफुल है, और उन्हीं बच्चों के लिए कंप्लीटली टारगेट सेशन भी है। ओके, सो ध्यान से देखिए, दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी एलिगेंस। हम सी एलिगेंस की बात कर रहे हैं, सी एलिगेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये भाई स्मॉल ट्रांसपेरेंट सॉइल लिमिटेड है, फ्री लिविंग है, नॉन पैरासिटिक नेचर का है, 1 mm साइज है, नंबर ऑफ सेल फिक्स है बॉडी में। सो दिस इज बेस्ट एंड फेवरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेप बायो पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। नंबर ऑफ जीन यहाँ पे 1900 फिक्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 6 पेयर है, और फर्टिलाइजेशन प्राइमरी ओसाइट स्टेज पे होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उस वाले पार्ट को मैं शुरू करने वाला हूँ। दैट इज एक्सेस प्लान, बॉडी एक्सेस प्लान, बॉडी प्लान या एक्सेस प्लान, इसी को हम एक्सेस पैटर्निंग भी बोलते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक्सेस पैटर्निंग या बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान या एक्सेस पैटर्निंग से क्या यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है, इसको समझते हैं पहले। एक्सेस पैटर्निंग या बोले तो, या फिर बॉडी प्लान बोले तो, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप क्या देखोगे, उसकी बॉडी एक्सेस डिटरमाइंड रहती है। यहाँ पे कौन कौन सी एक्सेस रहेंगी? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। अभी मैं समझाने वाला हूं कि कैसे सी एलिगेंस के केस में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड होती है, राइट। अच्छा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ड्रोसोफिला के, सॉरी, जैसा कि आपको पता होगा एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, स्पर्म एंट्री साइट वेंट्रल और जस्ट अपोजिट डोर्सल साइट डिसाइड करती है, राइट। स्पर्म एंट्री साइट डोर्सल, जस्ट अपोजिट वेंट्रल, डोर्सल वेंट्रल, और बिफोर फर्टिलाइजेशन ही वहां पे एनिमल पोल वेजिटल पोल रहता है। बट यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, ध्यान से समझिए इस चीज को। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान है वो कैसे आएगा, बाय फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझते हैं इस चीज को, कि ये क्या है, मान लीजिए एग है, दिस इज एग, एग ऑफ सी एलिगेंस। सी एलिगेंस के एग में आप क्या देख रहे हो, इनसाइड कुछ ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, इनको हम पी ग्रेन्यूल बोलते हैं। पी ग्रेन्यूल क्या बोल रहे हैं? पी ग्रेन्यूल। और ये अभी प्राइमरी ऊसाइट स्टेज ही है, समझ लीजिए प्राइमरी ऊसाइट स्टेज। प्राइमरी ऊसाइट स्टेज का मतलब ये भी है भाई, अभी कोई पोलर बॉडी रिलीज नहीं हुई है, पोलर बॉडी कोई नहीं रिलीज हुई है इसमें, इस पूरे एग में साइटोप्लाज्म है और कुछ पी ग्रेन्यूल है। हालांकि इन्हें पार प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार प्रोटीन। पी ग्रेन्यूल को पार प्रोटीन भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं और डिटेल में मेंशन करूंगा अभी। अब क्या होगा कि ये प्राइमरी ऊसाइट स्टेज पे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइन करता है। क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन क्या डिटरमाइन करता है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। अब देखिए, यहां पे जो स्पर्म होता है उसको बोलते हैं एमीबॉइड स्पर्म, और अभी मैं इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बताऊंगा कि कैसे फर्टिलाइजेशन इजीली यहां पे हो जाता है। तो यहां पे एक चीज समझिए कि स्पर्म एंट्री जो है ना भाई, स्पर्म एंट्री जो है, मान लो इस साइड से ये स्पर्म एंटर कर रहा है, स्पर्म एंट्री जो है, साइट ऑफ स्पर्म एंट्री यहां पे पोस्टीरियर साइड डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है भाई? पोस्टीरियर साइड। और जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, पोस्टीरियर साइड बन जाएगी, पी ग्रेन्यूल उधर ही की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, पार प्रोटीन उधर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होगा भाई? पार प्रोटीन उधर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। पार प्रोटीन में भी पार प्रोटीन 1 और 2 होती है, या इसको प्री ग्रेन्यूल ही बोल रहे हैं, पी ग्रेन्यूल किस साइड में शिफ्ट हो जा रहे हैं भाई? फ्यूचर पोस्टीरियर साइड। जिस साइड से
स्पर्म की एंट्री हो रही है, ध्यान से सुनना, जिस साइड से स्पर्म की एंट्री हो रही है उस साइड में आप क्या देखोगे, पोस्टीरियर साइड होगी, जस्ट अपोजिट आपको एंटीरियर साइड देखने को मिलेगी, राइट। यहां पे अगर मैं पार प्रोटीन का एक्सप्रेशन करूं तो मैं मेंशन करूंगा कि यहां पे अपन क्या देखेंगे कि पार 3 और 6 प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज पार 3 एंड 6, पार 1 एंड 2। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान है वो यहाँ पे डिटरमाइन हो चुका है। स्पर्म एंट्री साइड डिसाइड कर रही है क्या, पोस्टीरियर साइड, जस्ट अपोजिट एंटीरियर साइड, राइट। सो दिस इज टॉपिक एक्सिस पैटर्न इन केस ऑफ सी एलिगेंस, कीप इन माइंड, स्पर्म एंट्री साइड डिसाइड, पोस्टीरियर साइड। अब हम इसकी बात करेंगे कि भाई स्पर्म एंट्री हो चुकी है, स्पर्म एंट्री हो चुकी है तो भाई यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। स्पर्म एंट्री अगर हो चुकी है तो यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और जब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम आगे की बात समझेंगे कि जायगोटिक स्टेज आने लग जाएंगे यहां पे, है ना। फिर क्या होगा, यहां पे जायगोट वाली स्टेज आने लग जाएंगी। ओके चलिए समझते हैं, अब इसके आगे ही समझते हैं। ओके देखिए, ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है पी ग्रेन्यूल इधर आ चुके हैं, पी ग्रेन्यूल मान लीजिए इस साइड में आ चुके हैं, पी ग्रेन्यूल में भी स्पेसिफिकली पार प्रोटीन 1 और 3 1 और 2 इस साइड में आ चुके हैं। ये फ्यूचर पोस्टीरियर साइड है और ये सॉरी पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है, अब डिसाइड हो चुकी है, बन चुकी है। अब इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा तो आप क्या देखोगे, 2 सेल स्टेज आएगी। सबसे पहले एक इधर सेल होगी और एक इधर सेल होगी, इधर सेल होगी ए बी सेल, इसको बोलेंगे पी सेल, है ना। क्या बोलेंगे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि डिवीजन हो रहा है, पहला डिवीजन शुरू हो चुका है क्योंकि डिवीजन हुआ, फिर पोलर बॉडी रिलीज होगी, यहाँ पे जायगोट बन चुका है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुका है, फर्टिलाइजेशन हो ही चुका है। तो आप क्या देखोगे, ये जायगोट वाली स्टेज बन चुकी है, अब जायगोट वाली स्टेज से आगे डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो पहली 2 सेल स्टेज बनी इनको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्टेम सेल, इसको बोल रहे हैं स्टेम सेल, और ए बी सेल को हम बोलते हैं फाउंडर सेल। अक्सर आपको इस पे कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अक्सर क्या अभी आपको मैं समझाऊंगा ही, ये क्या है फाउंडर सेल है और इधर क्या है अपने पास स्टेम सेल है। आ रही बात समझ में, चलिए आगे देखिए। इसके आगे देखिए, अब अगली स्टेज में क्या होगा, अब इस 2 सेल स्टेज में भी डिवीजन स्टार्ट होने वाला है। इस 2 सेल स्टेज में भी जब डिवीजन होगा तो आप क्या देखेंगे, पी सेल से P2 सेल बनेगी और एक और सेल बनेगी, दैट इज कॉल्ड ईएमएस। क्या बनेगी, ईएमएस। और दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे, एबी सेल जब डिवाइड करेगी तो एबी ए में बदलेगी, एबी ए में बदलेगी, एबी ए और किस में बदलेगी, एबीपी में। ओके तो अब आपने क्या देखा, 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज आ चुकी है। ध्यान से समझिए इस चीज को कि 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज आ चुकी है, इधर पोस्टीरियर साइड है, इधर एंटीरियर साइड है। अब एक चीज समझ लीजिए कि पोजीशन ऑफ एबीपी एंड पोजीशन ऑफ ईएमएस क्या डिसाइड करेगी, यहां पे पोजीशन ऑफ एबीपी एंड पोजीशन ऑफ ईएमएस यहां पे डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड डिसाइड करेगी। कौन सी साइड डिसाइड कर रही है भाई, आंसर करिए, डॉर्सल एंड वेंट्रल। इज इट क्लियर, किस किस को यह बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू। चलिए आंसर कीजिए, क्या ये पॉइंट्स क्लियर है, आपको समझ में आया कि डॉर्सल एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल कैसे डिसाइड हुई। एक बार और रिकैप कर देता हूं कि स्पर्म एंट्री डिसाइड करती है पोस्टीरियर साइड को, जस्ट अपोजिट एंटीरियर साइड बन जाएगी, और फिर जब जायगोट में डिवीजन स्टार्ट होंगे तो 4 सेल स्टेज पे, 4 सेल स्टेज पे, 4 सेल स्टेज पे आप क्या देखोगे, 4 सेल स्टेज पे यहाँ पे डॉर्सल वेंट्रल साइड डिसाइड होती है। क्योंकि बॉडी में नंबर ऑफ सेल, बॉडी में कितनी सेल होंगी, ये सारी बातें आपको पहले ही मेंशन कर दी गई है कि बॉडी में नंबर ऑफ सेल ही फिक्स है, 959 नंबर ऑफ सेल्स है। ये बात समझ में आई। अब मैं यहां पे आपको मेंशन करने वाला हूं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पैटर्निंग हो चुकी है। अब मैं यहां पे मेंशन करने वाला हूं कुछ बेसिक सी चीजें, कि अगर आप देखें कि हमारे पास क्या है, जायगोट बना, जायगोट बना, जायगोट में पहला डिवीजन हुआ और 2 टाइप की सेल बनी, कौन कौन सी सेल, ए बी सेल जिसको हम फाउंडर सेल बोल रहे हैं, और क्या बनी, पी सेल। ठीक है, आप इस चीज को और देख लीजिए चाहे तो, कि ये जो
सेल है पी सेल, EMS P2, ABA ABP, ये फर्दर और भी डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो मैं मेंशन करने वाला हूँ कौन कौन सी सेल बनेंगे। जैसे ए बी से ए बी ए बनी और ए बी पी बनी, ए बी पी। अच्छा इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया ये भी समझ लेते हैं। ए बी ए को इसलिए ए बी ए बोल रहे हैं क्योंकि वो एंटीरियर है, ए बी पी को ए बी पी बोल रहे हैं क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड में है। आ रही बात समझ में? ए बी ए एंटीरियर साइड में, ए बी पी पोस्टीरियर साइड में है। ये कहाँ पे है? एंटीरियर। सो ए बी ए ये इसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ये पोस्टीरियर है, तो ए बी पी, ए बी पी बोलने का नाम क्यों दिया? ए बी पी पोस्टीरियर। अब देखिए जब इसमें डिवीजन होगा तो दो सेल और बनेगी, इसमें डिवीजन होगा दो सेल और बनेगी, कौन कौन सी सेल बनेगी देखते हैं। ए बी ए में जब डिवीजन होगा तो ए बी ए एल, ए बी ए एल बोले तो ए बी के लेफ्ट साइड में है, ए बी ए एल ए बी ए आर, लेफ्ट एंड राइट। ए बी में डिवीजन हुआ, एक लेफ्ट साइड में गई एल और एक ए बी ए आर बनी। सिमिलरली ए बी पी में यहां पर डिवीजन करोगे तो ए बी पी एल ए बी पी आर, लेफ्ट एंड राइट। आ रही है बात समझ में? बस आपको इनसे किस टाइप के ऑर्गन भी बनने वाले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ए बी ए से बनता है फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन। इससे क्या बनेगा भाई? फेरिंग्स एंड हाइपोडर्मिस। फेरिंग्स एंड हाइपोडर्मिस इस तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं सीएसआर नेट के एग्जाम में, जस्ट आफ्टर मैं सेशन कराने वाला हूं। देखो इधर दूसरी तरफ पी सेल, इसको बोलते हैं ए बी सेल लीनियज, इसको बोलते हैं पी सेल लीनियज। पी सेल लीनियज में आपने क्या देखा? पी टू ई एम एस बनेगी एक सेल, एक बन रही है ई एम एस और एक क्या बन रही है पी टू। ई एम एस में डिवीजन हुआ, क्या बनी? ई एंड एम एस। ई से ये, इस बार ये वाली सेल किसमें कन्वर्ट होती है आगे चल के? ये बनाती है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की सेल। ये एमएस वाली मसल्स वगैरह बनाती है, राइट। फिर एबीपी जो पी टू है इसमें डिवीजन होगा, राइट। एबीपी टू में क्या बनेगी? पी थ्री बनेगी और सी बनेगी, राइट। पी थ्री में डिवीजन होगा, डी बनेगी और पी फोर बनेगी। अच्छा एक बात यहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एक लीनियज क्रिएट हो रही है जायगोट में, दैट कॉल्ड पी सेल लीनियज। इसको क्या बोलते हैं भाई? पी सेल लीनियज बोलते हैं हम। इसको क्या बोलेंगे? पी सेल लीनियज। दिस इज पी, हालांकि नहीं दिख रहा होगा, दोबारा दूसरे कलर से लिखता हूं, पी सेल लीनियज। ये क्या है भाई? पी सेल लीनियज है। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में है? तो इस तरीके से सेल डिवाइड करती जाती है, और ये नंबर ऑफ सेल जो सोमेटिक सेल होती है, सोमेटिक ये जो सेल है इनका नंबर कितना है? 959। बॉडी में नंबर ही फिक्स है इनका कि कितनी सेल बनेगी। इज इट क्लियर? हेलो तीनू कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग आ रहा है, अच्छा, पहले का है, ओके। सो ये आपको समझ में आया, ये क्या बन गई भाई? कितनी सेल, कौन कौन सी सेल बनेंगी इससे? तो नंबर ऑफ सेल्स हमने यहाँ पे मेंशन की। अब इसमें डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन आता है वो एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूं। आपको अगर विश्वास नहीं है जस्ट क्लास के एंड में क्वेश्चन उठा के देख लेना, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट से, इससे के एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं ये हम समझते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट सेट होता है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट जो सेल होता है कि मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, ए बी सेल दी हुई है और पी सेल दी हुई है। इसमें से ये एक अक्सर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि ए बी सेल, आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि ए बी सेल इज सी डी आर नेचर, ये कंडीशनली डिपेंडेंट रेगुलेटेड है, और पी सेल क्या है? एम नेचर की है। हाउ मेनी ऑफ यू नो, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं जल्दी से बताइए सी डी आर नेचर और एम नेचर के बारे में किस किस को पता है? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए एम एम टाइप और सी डी आर टाइप से क्या मतलब निकलता है? हालांकि मैंने पहली क्लास में ही समझाया भी हुआ है कि एम क्लास का मतलब, एम का मतलब क्या है और सी डी आर का मतलब क्या है। चलिए टेल मी, जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए मुझे यहाँ पे एम टाइप ऑफ सेल का मतलब क्या है और सी डी आर सेल का मतलब क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर करिए, अदरवाइज हम डिस्कस करते हैं।
बताइए भाई बताइए। डू यू नो अबाउट एम टाइप और सीडीआर टाइप? एम स्पेसिफिक फेट, वेरी गुड। और सीडीआर बोले तो सीडीआर बोले तो सीडीआर का मतलब क्या है? डिपेंडेंट, कंडीशनली डिपेंडेंट, यस। तो इस पे भाई अक्सर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि आप ये बात प्रूव करो, आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि एम टाइप की सेल है पी सेल, और बी ए बी सेल कैसी है? डिपेंडेंट है। चलिए समझते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया? इन एन एक्सपेरिमेंट यू आइसोलेट, यू या यू सेपरेट बोथ सेल, दोनों सेलों को आपने सेपरेट कर दिया। आपने क्या किया इसी एक्सपेरिमेंट में, आपने क्या कर दिया भाई कि ये वाली ए बी सेल को अलग कर दिया, पी सेल को अलग कर दिया। नाउ अब आप क्या देखेंगे कि ये जो ए बी सेल आपने अलग की है, इससे आगे सेल बन ही नहीं पाएंगी, जबकि पी सेल से जितनी भी पी सेल लीनियज की सेल बनती है, मतलब पी से क्या बनती है भाई, ई एम एस बनेगी, यस बन रही है। पी टू बनेगी, यस बन रही है। पी टू से क्या बनेगी, सी बनेगी, बन रही है। पी थ्री बनेगी, बन रही है। पी थ्री से क्या बनेगी, डी बनेगी, बन रही है। पी फोर से क्या बन रही है, जो पर्टिकुलर सेल बनती है। देखो पी सेल की लीनियज पूरी बनती जा रही है, जबकि ए बी सेल आगे डिफ्रेंसिएट ही नहीं हो रही, अनएबल टू डिफ्रेंसिएट, अनएबल, अनएबल टू डिफ्रेंसिएट। यहां पे आप क्या देख रहे हो, डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा, राइट? ये चीज प्रूव करती है, यही चीज प्रूव करती है कि ए बी सेल किस नेचर की है, कंडीशनली डिपेंडेंट है। कंडीशनल डिपेंडेंट बोले तो सीडीआर बोले तो कंडीशन, उसको जो कंडीशन मिलेगी, जो कंडीशन मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, डिपेंडेंट कंडीशन शो करेगी। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये अपने एनवायरमेंट पे डिपेंड है। रेगुलेटेड, रेगुलेट मतलब, रेगुलेटेड मतलब इनका एनवायरमेंट इनको रेगुलेट करेगा कि आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट होना है। हेलो नेहा शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। एम टाइप का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं है, चाहे ए बी हो चाहे ना हो, अगर है तो अच्छी बात है, उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नहीं तो वो तो अपनी सेल्फ लीनियज बना ही रही है। ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट, मोजेक। वो बच्चे जो इस बार सीएसआर का एग्जाम देने वाले हैं, डेफिनेटली कह सकता हूं इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सी एलिगेंस। और यहां से आप उठा के कॉपी देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा ये चीज। एन नंबर ऑफ टाइम सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन आया कि ए बी सेल सीडीआर टाइप की है, पी सेल एम टाइप की है, राइट? और इसी एक्सपेरिमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसी एक्सपेरिमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आया क्या समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया है? एक और एक्सपेरिमेंट है जो इसी चीज को प्रूव करेगा कि ए बी सेल सीडीआर है और पी सेल क्या है, एम टाइप की है। सेम इंफॉर्मेशन को जो प्रूव करेगा, और उस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मूव करें नेक्स्ट, आगे मूव करें भाई। चलिए तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि अभी आपने इसको 4 सेल स्टेज तक मेंशन किया था, यस किया था। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि अभी सर आपने 4 सेल स्टेज तक बताया था इसको। तो देखो पी सेल बनी थी वहां पे, एक साइड में ई एम एस सेल बनी है, ई एम एस, इधर क्या बनी है, ए बी ए बनी है, और इधर क्या बनी है, ए बी पी बनी है। आ रही बात समझ में? क्या बोलती है कंपनी, समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? अपन ने अभी बनाया था ना कि ए बी ए एंटीरियर, ए बी पी पोस्टीरियर। अच्छा, और मैंने ये भी बात बताई थी कि ए बी पी जो है वो एच और एन हाइपोडर्मिस न्यूरॉन बना पा रही है, जबकि ए बी ए फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, ये तीनों चीजें बना रही है 4 सेल स्टेज पे। 4 सेल स्टेज पे ये पोस्टीरियर साइड थी, ये एंटीरियर साइड थी, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है,
राइट। और इस केस में आपने क्या देखा था, इस पर्टिकुलर सेल स्टेज पे एबीपी जो है वो हाइपोडर्मिस न्यूरॉन बना रही है और एबीए क्या बना रही है, फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, तीनों चीजें बना पा रही है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आगे समझते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट, अब समझो एक्सपेरिमेंट क्या है, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट आप क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखो आपने, आप ध्यान से देखो कि पी सेल से अटैच होके एबीपी क्या बना रही है, एच और एन बना रही है। नाउ यू शिफ्टेड पोजिशन ऑफ एबीए एंड एबीपी, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा। हेलो बैतुल्ला खान, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके ध्यान से देखिए, सीएसआर के एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आपने एबीपी की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया और एबीए की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया तो ध्यान से समझना कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, इससे कंक्लूजन क्या आने वाला है। अगर आपने इसको शिफ्ट कर दिया देन, चलो शिफ्ट कर दिया तो बना के दिखा देते हैं। आपने क्या किया देखो, ये कंडीशन कर दी कि ये पी सेल है, ये ईएमएस है, ये ए बी, ए बी पी देखो आगे कर दिया, पोस्टीरियर वाला आपने आगे कर दिया और ए बी ए जो एंटीरियर वाला था उसको शिफ्ट कर दिया। अब आपने पोजीशन शिफ्ट कर दी, स्टिल आप क्या देख रहे हो कि ए बी पी क्या बनाएगी, फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन बनाएगी और ए बी ए क्या बना रही है अब, हाइपोडर्मिस न्यूरॉन। अब ध्यान से समझना कि एक्सप्रेशन शिफ्ट करने के बाद भी ये आ रहा है कि देखो एबीपी जो थी वो जब पी से टच थी तो क्या बना रही थी, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, जब और जबकि एबीए क्या बना रही थी, फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन। आपने एबीए को पी, एबीपी वाली जगह पे रखा, तो अगर देखो अगर एबीपी सॉरी अगर एबीए एम टाइप की नेचर की होती, किसको पता है इसे क्या बनाना है, तो ये एबीए एबीपी वाली पोजीशन पे जाके अपने वही फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन ही बनाती, बट नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये पी सेल के कांटेक्ट में, मतलब कहे कंक्लूजन वाली बात समझ लीजिए अब, कि वो सेल जो पी के कांटेक्ट में रहेगी वो सिर्फ हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन ही बनाएगी। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन ही बनाएगी, ये एन टाइप की सेल पी सेल डिसाइड कर रही है। आ रही बात समझ में, तो पी सेल के कांटेक्ट में रहने पे ये हाइपोडर्मिस ही, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन ही बना रही है, चाहे वो ए बी ए ही हो जो पहले पी एच एन बना रही थी, मगर इसके कांटेक्ट में आने पे वो भी हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन ही बनाएगी। आया समझ में, सो दिस वॉज एक्सपेरिमेंट एंड इट प्रूव्स कि भाई ये ए बी ए और ए बी पी के पास प्रॉपर्टी नहीं है कि वो क्या बनाने वाली है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या वो डिफ्रेंशिएट होगी, ये एम टाइप की सेल पी सेल डिसाइड करवाएगी कि तुमको क्या बनाना है। इज इट क्लियर, ये एम टाइप की सेल्स जो है वो समझाएंगी कि क्या बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये एक्सपेरिमेंट के लिए है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट भी यही प्रूव करता है कि जो भाई पी सेल है ये एम टाइप की सेल है और रेस्ट जितनी भी हैं दीज ऑल आर सीडीआर टाइप, कि वो क्या चीज बनाने वाली है ये बात उनका एनवायरमेंट डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? आ गया क्या समझ में? आगे बढ़े क्या? चलिए फिर अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी एलिगेंस वल्वा फॉर्मेशन पे आने वाले हैं। यस दोस्तों, जिसको नहीं पता, जिनको नहीं पता, ये जिनको ये बात नहीं पता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सी एलिगेंस में क्या है, तो वो एग्जाम दे ही क्यों रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वल्वा फॉर्मेशन। पहले तो हम बात कर लेते हैं वल्वा है क्या। वल्वा आप कह सकते हो कॉपुलेशन और एग लेइंग के लिए कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। अगर मैं इस एनिमल को, सी एलिगेंस को बना के दिखाऊं तो इस तरीके का कुछ देखता है, देखने को मिलता है, इस तरीके का एनिमल है। इसका जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मैं जरूर बना के दिखाता हूँ, पिंक कलर से बनाऊंगा इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखो यहाँ पे इस तरीके का होता है, इसको अगर मैं जूम करके बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, अभी अपन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे आप क्या देखेंगे, एग सेल फिल हुए हैं, यहां पे एग सेल फिल हो रखे हैं, राइट। अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वल्वा, वल्वा। और वल्वा फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी बात को हमको भी जिक्र करना है, इसी बात का जिक्र करना है अपन को कि वल्वा फॉर्मेशन की प्रोसेस में कैसे इवेंट काम करते हैं। चलिए तो आप समझते हैं वल्वा फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। ये जो मैंने अभी ओपनिंग बताई, ये वाली जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड वल्वा, ये वल्वा फॉर्मेशन होता कैसे है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि वल्वा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप यहां पे समझिए कि कुछ पी सेल जर्म लेयर होती है, जब ये ऑर्गेनिज्म जब डेवलप हो रहा है, ठीक है, मान लो ये जब लार्वल स्टेजेस में है, तो यहाँ पे वल्वा फॉर्मेशन होने वाला है इस पार्ट में, ठीक है। मैंने बताया ना अभी, ये ऑर्गेनिज्म ये पिंक कलर का मेंशन किया, इस जगह एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड वल्वा, दिस इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग पार्ट इज कॉल्ड वल्वा, ठीक है ना। अब समझते हैं इस बात को कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जर्म लेयर होती है, जर्म सेल होती है, जर्म सेल के नीचे हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, जर्म सेल के नीचे क्या है, हाइपोडर्मल सेल यहां पे, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल। अभी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, हाइपोडर्मल सेल है। हाइपोडर्मल सेल को अपन पी के रेस्पेक्ट में भी मेंशन करते हैं, P1, P2, P3 ऐसे करके, है ना, P1P, P12 ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हाइपोडर्मल सेल है, इसमें से कुछ सेल क्या कहलाती है, वल्वा प्रिकर्सर सेल कहलाती है, कितनी, सिक्स, छह सेल, हाइपोडर्मल में से ही छह सेल क्या कहलाती है, वल्वा प्रिकर्सर सेल, क्या कहलाती है भाई, VPC, VPC, क्यों, क्योंकि इनके पास एक रिसेप्टर होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है बिकॉज लेट 23 रिसेप्टर, इस रिसेप्टर का नाम है लेट 23, और इसकी वजह से आप कह सकते हो ये थोड़ी स्पेशल होती है। अभी बात करते हैं मेन पार्ट की कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनते जाना कि ये क्या जर्म सेल की लेयर है, जर्म सेल की लेयर्स एक्सप्रेस करती है लिन-12, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक सरफेस प्रोटीन को जिसका नाम है लिन-12। सारी की सारी सेल क्या एक्सप्रेस कर रही है, लिन-12। प्रोसेस सुनते जाना, सिर्फ चार स्टेप में वल्वा फॉर्मेशन को समझा दूंगा, सिर्फ चार स्टेप में, ओनली फोर स्टेप है वल्वा फॉर्मेशन को समझने की। पहली स्टेप, ऑल जर्म सेल एक्सप्रेस लिन-12, जितनी भी जर्म सेल है वो सारी की सारी लिन-12 को एक्सप्रेस कर रही है, पहली बात, ध्यान से समझते जाना इस चीज को, चार स्टेप में समझना है बस अपन को, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप देखिए, अब आपको अच्छा ये बात पता है कि यहां पे भी क्या बनने वाली है, एंकर सेल, ध्यान से सुना, यहां पे इनमें से एक सेल बनने वाली है एंकर सेल, क्या बनने वाली है, एंकर सेल, एंकर सेल। याद करने का तरीका समझना, मैं एक बार में ही बताऊंगा, याद करने का तरीका समझना कि एंकर सेल यहां पे बन रही है। अच्छा एंकर सेल कैसे बनती है, क्योंकि यहां पे एक एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन का, ध्यान से सुना, यहां पे एक एक्सप्रेशन होगा प्रोटीन का जिसका नाम है लेग 2, क्या नाम है, लेग 2। प्रोटीन का नाम क्या है, ध्यान से सुनो, प्रोटीन का नाम क्या है, लेग 2। सबको पता है कि लेग कितने होते हैं, लेग कितने होते हैं, दो, है ना, प्रोटीन का नाम लीजिए, कैसे याद करोगे, लेग 2, क्या याद करना है, लेग 2, प्रोटीन का नाम क्या है, लेग 2। और वो पर्टिकुलर सेल सारी नहीं, सिर्फ एक प्रोटीन एक्सप्रेस करती है जिसका नाम है लेग 2, जो लेग 2 एक्सप्रेस करेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एंकर सेल में। इसको ऐसे समझ के देखो कि लोगों को टांग अड़ाने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, कोई भी काम किसी का नॉर्मल चल रहा होगा, वो अपनी लेग को एंकर सबसे पहले कर देते हैं, है ना, समझ रहे हो बात को, कि उनको टांग फंसाने की आदत होती है हर काम में, समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है, कभी कहना क्या चाहता है, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या है, लेग 2, और लेग 2 जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई वो सेल एंकर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इज इट क्लियर, वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंकर सेल में।
किसमें कन्वर्ट हुई? एंकर सेल में, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई? एंकर सेल। अब आगे की कहानी ये एंकर सेल ही संभालेगी। एंकर सेल कैसे बनी, आपको ये समझ में आ गया है? कैसे बनी एंकर सेल? सबको समझ में आ चुका होगा कि एंकर सेल कैसे बनी, लेग टू के एक्सप्रेशन से। क्या अदर सेल लेग टू एक्सप्रेस कर रही है? नहीं, लेग टू कौन एक्सप्रेस कर रहा है? सिर्फ एंकर सेल। एंकर सेल कौन? जिसने लिन 12 को इनविट कर दिया, जिसकी सरफेस पे अब लिन होगा ही नहीं, जिसकी सरफेस पे लिन 12 नहीं होगा, अब सिर्फ लेग टू है। तो इन पूरी जर्म सेल में से एक सेल ऐसी होती है जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एंकर सेल में। एंकर सेल कैसे बन रही है? लेग टू के एक्सप्रेशन से। तो मैंने बताया चार स्टेप में हम इसको याद रखेंगे। पहली स्टेप क्या है? ऑल जर्म सेल एक्सप्रेस लिन 12। दूसरी स्टेप, वन ऑफ देम एक्सप्रेस लेग टू, उनमें से एक क्या एक्सप्रेस करिए? लेग टू, एंड कन्वर्ट इनटू एंकर सेल। इसी को क्या बोल रहे हैं? एंकर सेल। ये किसमें कन्वर्ट होगी? एंकर सेल में। आ गई बात समझ में? दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, ध्यान से देखना, चार स्टेप में समझा दूंगा इस टॉपिक को। जो एंकर सेल है वो एक कंपोनेंट रिलीज कर रहा है, मॉर्फोजन रिलीज करेगा, जिसका नाम क्या है? लिन 3। तीसरी स्टेप, एंकर सेल रिलीज लिन 3। क्या रिलीज हो रहा है? लिन 3। और लिन 3 कहां पे जाके बाइंड करेगा? इस रिसेप्टर से जिसका नाम है लेट 23। मान लो इससे जाके, किससे जाके बाइंड कर रहा है? लेट 23 से। ओके, किससे बाइंड कर रहा है? लेट 23 से। अब इस बात को समझ के देखो, इस बात को समझना कि सबसे ज्यादा इसमें से, सबसे ज्यादा ये जो लिन 3 ऊपर से आ रहा है, ये कौन सी प्रोटीन आ रही है? लिन 3। क्या आ रहा है? लिन 3। सबसे ज्यादा लिन 3 कौन रिसीव करेगा? जो जस्ट लेग 2 सेल के नीचे है, जो जस्ट लेग 2 सेल के नीचे है। और जो सबसे ज्यादा लिन 3 को रिसीव करेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल में। आया समझ में? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वीपीसी, जो सबसे ज्यादा लिन 3 रिसीव करेगा। इसके साइड वाली थोड़ा सा कम रिसीव करेंगी, इनको बोलेंगे सेकेंडरी वीपीसी। इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वीपीसी। और उससे जो सबसे दूर है वो किसमें कन्वर्ट होंगी? टर्सरी वीपीसी। टर्सरी वीपीसी ये किसमें कन्वर्ट हो रही है? टर्सरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। आया क्लियर? आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? ध्यान से समझिए कि वल्वा प्रिकर्सर सेल में लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है। मैंने बोला ना चार स्टेप में समझा दूंगा, चार स्टेप का ही टॉपिक है ये, चार स्टेप का ही टॉपिक है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि लिन 3 बाइंड टू, लिन 3 बाइंड टू लेट 23 एंड मेक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। अब बस एक आखिरी लाइन सुन लेना और टॉपिक खत्म। कि ध्यान से सुनना आखिरी लाइन, कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो बीपीसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वीपीसी जो है, ये किसमें इन्वॉल्व होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वीपीसी फॉर्म वल्वा। ये जो प्राइमरी और बीपीसी, सेकेंडरी बीपीसी है, यही वल्वा फॉर्म करती है। रेस्ट ऑल, रेस्ट जितनी भी बची टर्सरी वाली और जो जितनी भी बची उसके सिवा, रेस्ट ऑल फॉलो नेचुरल फेट। नेचुरल फेट क्या है? हाइपोडर्मिस। और सिर्फ इतने से कंसेप्ट से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से जो इस समय बोर्ड पे लिखी हुई है। जितने भी स्टूडेंट जो सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कंटेंट फ्रीली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, आई एम HOD ऑफ बायोलॉजी अकेडमी 2। तो आप मेरी और वीडियोस को बायोलॉजी अकेडमी के चैनल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये चार स्टेप में आपने क्या देखा? हाउ वल्वा फॉर्मेशन अकर। सीधा सीधा यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये क्या है भाई? प्रोसेस ऑफ वल्वा फॉर्मेशन।
ये आपने देखा वल्वा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड आई कैन से सबसे टॉपिक इजी है, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन रिपीटेडली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बस कुछ केस स्टडी करेंगे। अपन क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे जहां पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आप देखिए केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, केस इतने देखने को मिलेगा या कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको कि इफ वल्वा प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉय, व्हाट विल हैपन इफ ऑल वल्वा प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉय। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कई सारे केस देखने को मिलेंगे। मैं डायरेक्टली केस मेंशन कर देता हूं। आप देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि एंकर सेल को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉय। और ये सीएसआईआर में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सीएसआईआर नेट का फेवरेट टॉपिक है, क्या होगा जब एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, व्हाट हैपन इफ, व्हाट हैपन इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉय, व्हाट हैपन इफ लिंक थ्री एब्सेंट, इफ लिंक थ्री एब्सेंट, क्या होगा जब लिन थ्री एबसेंट हो जाए, क्या होगा जब इंटरेक्शन बिटवीन, इफ इंटरेक्शन बिटवीन लिन थ्री एंड लेग 23 ब्लॉक, लिन थ्री एंड लेग 23 ब्लॉक, क्या होगा जब इन दोनों में इंटरेक्शन ही ब्लॉक हो जाए, क्या होगा जब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और लिन थ्री में, इफ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन लिन थ्री। ठीक है, या ब्लॉक ऑफ लेट 23, इफ ब्लॉक ऑफ लेट 23, इस तरीके के रेंड कई सारे आपको स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके के कई सारी कंडीशंस आपको दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि इन सारी सिचुएशन का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या वल्वा फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। आप लोगों ने अभी पूरे कंसेप्ट को समझा है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में मैंने पूरे वल्वा फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझा दिया है, सिर्फ 4 स्टेप, 1 2 3 4, वल्वा क्लियर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, आपको आंसर करना है क्या इन केसेस में वल्वा फॉर्मेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आंसर करिए। यस दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, नो वल्वा फॉर्मेशन, नो वल्वा फॉर्मेशन, इनमें से कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हो, वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक कंडीशन है। एक डायरेक्टली सीएसआईआर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि आपको केस दिया होगा, व्हाट विल हैपन इफ, व्हाट विल हैपन इफ ऑल वल्वा प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉय, क्या होगा जब सारी की सारी वल्वा प्रिकर्सर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, व्हाट विल हैपन इफ ऑल वल्वा प्रिकर्सर सेल डिस्ट्रॉय। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया सीएसआईआर में, सीधा सीधा क्वेश्चन सीएसआईआर नेट के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। अगर सारी की सारी वल्वा प्रिकर्सर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, नो वल्वा फॉर्मेशन, नो वल्वा फॉर्मेशन, वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा भाई। और मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, ये जो क्लासेस हैं एक तरीके से आपके कंसेप्ट को और रिवाइज कराने के लिए, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उन एग्जाम को पुट अप कराने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि सारी वल्वा प्रिकर्सर सेल नहीं डिस्ट्रॉय होंगे, कि नेक्स्ट केस है इफ 3 वल्वा प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉय, या फिर ऐसे इसी को बोल दिया जाए इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वीपीसी डिस्ट्रॉय। मान लो 3 जो डिस्ट्रॉय हो रही है वो कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल है, क्या वल्वा फॉर्मेशन होगा। यस वल्वा फॉर्मेशन होगा दोस्तों, यहां पे वल्वा फॉर्मेशन होगा।
रेस्ट कैसे होगा, रेस्ट जो थ्री है, रेस्ट थ्री और या फिर रेस्ट टर्सरी वीपीसी अटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट। प्राइमरी और सेकेंडरी फेट को कौन अटेंड कर लेगी, जो बची हुई जो बल्बा प्रिकर्सर सेल है, जो टर्सरी वाली बल्बा प्रिकर्सर सेल, क्योंकि उनके पास भी तो लेड 23 का रिसेप्टर है। यस अच्छा एक और मजेदार केस बताता हूँ और अलग से स्टार बना के लिख रहा हूँ, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे मजेदार केस है। व्हाट हैपन इफ, इफ क्या हो जब इफ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन लेड 23। सबसे मजेदार केस है, क्या होगा जब लेड 23 में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए। सेशन को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, सेशन को जल्दी से लाइक लाइक कर दीजिएगा भाई। ओके चलिए, क्या होगा जब गेन ऑफ फंक्शन हो जाए लेड 23 में, लेड 23 जो है वो सेल्फ एक्टिवेट हो जाए, क्या होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट केस और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्या होगा अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, देन कंडीशन विल बी मल्टी वल्वा फॉर्मेशन। कई सारे वल्वा फॉर्म हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है प्राइमरी वीपीसी सेकेंडरी वीपीसी कोई बनेगी नहीं, सब में जब लेड 23 एक्टिवेट हो रहा है तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, प्राइमरी बन जाएंगे, और तो फिर मल्टीपल बल्बा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो द कंडीशन विल बी मल्टी बल्बा। आया समझने। यहाँ पे हमारा सी एलिगेंस टॉपिक खत्म होता है। एक बार और रिकैप करा दे रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ कि सी एलिगेंस टॉपिक अपने स्टार्ट किया। इन दिस सी एलिगेंस हमने डिस्कस किया स्मॉल ट्रांसपेरेंट सॉइल लिमिटेड है, फ्री लिविंग है, ठीक है। सो मैं ध्यान से समझिए, मैं रिवाइज कराने वाला हूँ सी एलिगेंस को, ध्यान से समझिए। सी एलिगेंस स्मॉल ट्रांसपेरेंट सॉइल लिमिटेड है, फ्री लिविंग है, नॉन पैरासिटिक है, 1 mm साइज है, नंबर ऑफ सेल 959 है, नंबर ऑफ जीन 900 है, क्रोमोसोम 6 पेयर में है और फर्टिलाइजेशन प्राइमरी ओसाइट स्टेज पे होता है। इसमें एक्सिस पैटर्निंग देखेंगे डोर्सल वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टियर। एंटीरियर पोस्टियर एक्सेस कैसे डिटरमाइन होती है कि जैसे स्पर्म एंट्री होगी तो पोस्टियर साइड जस्ट अपोजिट एंटीरियर साइड। फिर हमने देखा कि जैसे ही 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज पे पी सेल, ए बी सेल और ए बी सेल ए बी ए, ए बी पी में बदल रही है। ए बी ए की पोजीशन एंटीरियर होगी, पी टू की पोस्टियर, ए बी पी की पोजीशन डोर्सल और ई एम एस की पोजीशन वेंट्रल होगी। सो दिस इज हाउ एक्सिस पैटर्निंग अकर इन सी एलिगेंस। नाउ फिर हमने जो सेल्स देखी कि सेल डिवाइड होकर किस किस टाइप की सेल बनाएगी, इसमें एक बनती है पी सेल लीनियज, एक होती है ए बी सेल लीनियज। तो जो पी सेल लीनियज की सेल होती है वो एम टाइप की होती है, ए बी वाली क्या होती है कंडीशनल डिपेंडेंट होती है। इनको हमने इन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से समझा। देन हमने देखा कि ए बी ए और ए बी पी की पोजिशन को शिफ्ट कर दे तब भी कोई बात फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सेल जो पी सेल के कॉन्टेक्ट में है वो हाइपोडर्मिस और न्यूरोन बनाएगी। फिर हमने देखा कि वल्वा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। वल्वा फॉर्मेशन में हमने देखा 4 स्टेप कि ऑल जर्म सेल एक्सप्रेस लिन 12, 1 of them express LEG2, anchor cell release LIN3 and LIN3 bind to LEG23 and form primary VPC, secondary VPC and tertiary VPC, primary and secondary VPC involve in vulva formation. फिर हमने इससे related कुछ case study की। case study में बोला कि हमने अगर anchor cell और LIN3 इन सबको absent कर दिया, destroy कर दिया, तो क्या vulva formation होगा? नहीं, vulva formation नहीं होगा। gain of function mutation हो जाए LEG23 में, क्या multi-vulva formation हो जाएगा? yes, multi-vulva formation हो जाएगा। क्या होगा जब primary VPC को destroy कर दिया जाए, तो सारी की सारी प्राइमरी वीपीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या बल्बा फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। और इफ 3 वीपीसी या प्राइमरी और सेकेंडरी बल्बा प्रिकर्सर सेल डिस्ट्रॉय की गई है तो क्या बल्बा फॉर्मेशन होगा? यस, क्योंकि टर्सरी जो वीपीसी है वो प्राइमरी के फेट को अटेन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है सी एलिगेंस का, बल्बा फॉर्मेशन एंड दिस कंप्लीट टॉपिक। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, सी अर्चिन। सो टेल मी, आर यू रेडी? जितनी भी चीजें मैंने बताई अभी सी एलिगेंस के बारे में, यू हैव 1 मिनट, जस्ट रिवाइज इट। 1 मिनट है आपके पास सारे पन्ने पलट के, या फिर जो भी चीजें पढ़ाई है मैंने अभी एक बार रिकैप करके देखिए, अपने माइंड में रिवाइज करके देखिए, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन देन सी अर्चिन। सी अर्चिन के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो आगे स्टार्ट किया जाए। यस टेल मी,
सी अर्चिन स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। बताओ बेटा। अपन अगर सी अर्चिन के बारे में मेंशन करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि ये क्या है, स्मॉल स्पाइनी मरीन इन्वर्टिब्रेट। ये क्या है भाई, स्मॉल स्पाइनी मरीन इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है। अगर इसके एग की बात करो तो इसमें माइक्रोलेसिथल एग होगा, माइक्रोलेसिथल आइसोलेसिथल एग होगा। पैटर्न ऑफ क्लीवेज की अगर आप बात करो, पैटर्न ऑफ क्लीवेज की अगर आप बात करो तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्लीवेज में आप मेंशन करोगे कि जो पैटर्न है क्लीवेज का वो क्या है, होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक में भी इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल पैटर्न ऑफ क्लीवेज है, ठीक है। अगर सॉरी होलो ये टाइप है, दिस इज टाइप ऑफ क्लीवेज, टाइप ऑफ क्लीवेज। और अगर आप पैटर्न की बात करोगे तो यहां पे रेडियल पैटर्न मिलेगा, रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है इस पर्टिकुलर केस में, फर्टिलाइजेशन वो कैसा होगा, एक्सटर्नल, यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, सी अर्चिन की। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन आप यहाँ पे कैसा मेंशन कर रहे हो दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ये मेल बॉडी होगी, मेल बॉडी स्पर्म रिलीज कर देगी। स्पर्म एट द टाइम ऑफ रिलीज कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, स्पर्म एट द टाइम ऑफ रिलीज नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल स्पर्म, बट जैसे ही वो बाहर रिलीज होते हैं तो जो, क्योंकि पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पानी का पीएच थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, वैसे होता है 7.4 होता है, अंदर 7.2 कंडीशन है, तो ये पीएच 7.4 होता है, ये इनको मोटाइल बनाता है। जैसे इन्वायरमेंट में ये आते हैं, इन्वायरमेंट में क्या भाई, पीएच थोड़ा सा ज्यादा है और पीएच इसको जाके बताता है क्या बना देता है, मोटाइल। अब इनका सी अर्चिन के जो स्पर्म है इनका टारगेट क्या है कि इनको फर्टिलाइजेशन का इवेंट परफॉर्म करना है, इनको फर्टिलाइजेशन का इवेंट परफॉर्म करना है, तो भाई क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन का इवेंट परफॉर्म करना है तो वाटर में ही यहाँ पे एग रखे हुए हैं, यहाँ पे वाटर में ही क्या है, एग है, वाटर में ही क्या है, एग है, यहाँ पे वाटर में ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एग है। एग के चारों तरफ एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एग जेली। इनके चारों तरफ एक कवरिंग है जिसको हम एग जेली बोल रहे हैं। ये क्या है, एग है और एग के चारों तरफ क्या है, एग जेली। एग जेली एक कवरिंग होती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एग जेली, क्योंकि ये बहुत ही गंदी टेस्ट की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टेस्ट कर क्या हुआ है, एक्चुअली इसका टेस्ट पंजेंट होता है, जिससे पानी के एनिमल इसको खा ना पाए, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगी, दैट इज कॉल्ड रिसेक, और वो रिसेक मॉलिक्यूल इन स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वो क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आया क्या समझ में, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एग जेली की तरफ। ये स्पर्म इन द एंड कहां पहुंच जाएंगे, एग जेली के पास पहुंच जाएंगे, और एग जेली के पास पहुंचते ही वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसके साथ ब्रेक डाउन करके उसको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एग जेली जिस मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी दैट इज रिसेक्ट,
रिसेप्ट क्या है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक कंपोनेंट है, स्पीसीज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, 14 अराउंड 14 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है, 14 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, 16 रिच कंडीशन होती है। तो ये फाइनली पहुंच जाएंगे कहाँ पे, एग जेली के पास। और एग जेली में ही आप क्या देखोगे, एग जेली में क्या हो रहा है, एग जेली के पास पहुंच जाएंगे, एग जेली के पास पहुंच जाएंगे। अब वहां पे क्या होगा, एग जेली से इंटरेक्शन होगा। मान लीजिए ये क्या है, एग जेली है, ये एग जेली है, एग जेली के अंदर एग है और यहां पे स्पर्म पहुंच चुका है, ये स्पर्म आ चुका है यहां पे। ये स्पर्म आ चुका है, ये एग जेली है। एग जेली के बाद एक लेयर और होती है, विटलाइन मेम्ब्रेन जैसी बोलते हैं, या फिर इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आप क्या देखोगे, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये एग प्रेजेंट है, ये एग है। अब इस स्पर्म का टारगेट है कि इसको एग के अंदर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, इसका टारगेट कहाँ है, इसको एग के अंदर पहुंचना है। एग काफी बड़ा है, एग के अंदर पहुंचना ये टारगेट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे इंटरेक्शन चलेगा, यहाँ पे कुछ सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड होती है, उनके लिए रिसेप्टर होता है स्पर्म की मेम्ब्रेन पे, फिर ये इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन के बाद यहाँ पे कैल्शियम चैनल एनएचई वगैरह ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल एनएचई वगैरह ओपन होंगे तो यहाँ पे कैल्शियम एंटर करेगा, कैल्शियम एंटर करेगा, कैल्शियम एंटर करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है सबसे बाहर वाला, वो एक्रोसोम होता है। इट विल लीड टू एक्रोसोमल रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इंट्रैक्शन होगा, कैल्शियम एंटर करेगा, सारी चीज़ें प्रोसेस काम करेगी, पीके वगैरह एक्टिवेट होते हैं, पीके एक्टिवेट होते हैं, तो ये फाइनली एक इवेंट को कराता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में दो स्टेप इन्वॉल्व होती है, क्या कि रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम, और दूसरी स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। एक्रोसोमल प्रोसेस का बनना और एक्रोसोमल एंजाइम का रिलीज होना। तो देखिए जैसे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होता है तो ये एग जेली तो डिग्रेड हो जाएगी, ये पहली स्टेप हुई। आपने क्या देखा, जैसे ही एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हुए तो आप यहां पे क्या देखोगे कि ये एग जेली थी, एग जेली थी, ये एग्जेली के अंदर नीचे ही जस्ट कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फाइबर थे, और उसके बाद यहां पे क्या था, एग था। मान रहा अब आपने क्या देखा कि जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन इस एग्जेली को ब्रेक कर देगी, एग्जेली जैसे ही ब्रेक होगी और यहां पे क्या होगा, एक्रोसोमल प्रोसेस बन जाएगी। तो एक्रोसोमल प्रोसेस कुछ ऐसी होती है, स्पर्म है, स्पर्म के पास ये क्या है, एक्रोसोमल प्रोसेस बन चुकी है। एक्रोसोमल प्रोसेस पे एक मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड बिंडिन, बिंडिन, और ये एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस। एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, बाहर की सारी चीजें डिग्रेड हुई, और एक्रोसोमल प्रोसेस के ऊपर बिंडिन प्रेजेंट है, वो अब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, इस एक्सोसोमल मैट्रिक्स को, फ्लूइड को क्रॉस करते हुए, वो क्या पहुंच जाएगा, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है EBR2। EBR से कौन इंटरेक्ट करेगा, ये बिंडिन इंटरेक्ट करेगा, और बिंडिन जैसे इंटरेक्ट करेगा ये स्पर्म इसके और अंदर चला जाएगा, अंदर पहुंचते ही फर्टिलाइजेशन के इवेंट को कंप्लीट कर देगा, न्यूक्लियस, और फिर क्या करेगा, ये मेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है इसका, स्पर्म का ये जो मेल न्यूक्लियस है ये यहाँ से मूव करते हो, फिर इधर जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ये अंदर पहुंचा देगा इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन कि मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, एक तो ये वाला जहां पे आप इंटरेक्शन विद एग जेली मेंशन कर रहे हो, और दूसरा वाला इंटरेक्शन विद, दिस इज सेकंड वन, जो जहां पे क्या हो रहा है, इस जो बिंडिन प्रोटीन है, बिंडिन प्रोटीन EVR1 से EVR1 से EVR2 से EVR1 EVR2 से इंटरेक्ट करती है और फिर फाइनल फर्टिलाइजेशन के इवेंट को कंप्लीट करवाती है, आ रहा है समझ में। सो ये जो दोनों इवेंट फाइनली क्या लीड करते हैं, दी आफ्टर दीज टू इवेंट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को कि यहां पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट हो चुका है।
ओके सो आपने क्या देखा भाई, आपने देखा कि मेल जो है, मेल जो मेल है वो स्पर्म रिलीज कर रहा है, जो फीमेल है फीमेल एग रिलीज कर रही है, वाटर में ही दोनों चीजें रिलीज हो रही है। स्पर्म नॉन मोटाइल होते आते समय, बाद में पीएच चेंज की वजह से मोटाइल हो जाते हैं, फिर सेक्ट वाइन करता है, फिर उसकी वजह से गेमोटेक्टोन पाथ के थ्रू एग जेली के पास पहुंच जाते हैं। एग जेली के पास पहुंचने के बाद वो सबसे पहले एग जेली को डिग्रेड करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर उसी एक्रोसोमल रिएक्शन के एंड में क्या बनती है, एक्रोसोमल प्रोसेस बनती है। एक्रोसोमल प्रोसेस बाय फाइनली आगे एग मेम्ब्रेन पे आके EBR1 से इंटरेक्ट करती है बिंडिन प्रोटीन, और उसके बाद फाइनली फर्टिलाइजेशन के इवेंट को कंप्लीट करा देती है। आया समझ में? फाइनली क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के इवेंट के कंप्लीट होते ही आप क्या देखोगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। आप क्या देखेंगे, जो सी अर्चिन है उसका ये एम्ब्रियो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे कुछ मेटरनल फैक्टर होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। सी अर्चिन का ये सी अर्चिन एम्ब्रियो है, फर्टिलाइज एग, आप ऐसे लिख दो फर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, फर्टिलाइज एग में भी कई सारे मैटरनल फैक्टर आते हैं जिनका नाम है जैसे बीटा कैटेनिन, OTX है ना, WNT, ये क्या है, मैटरनल फैक्टर होते हैं जो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें क्या होंगे, डिवीजन होंगे, अब इसमें क्या होंगे, डिवीजन होंगे, डिवीजन होकर आप क्या देखोगे, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या है, रेडियल पैटर्न है, रेडियल पैटर्न, और बहुत ही मजेदार पैटर्न है यहाँ पे आप देखेंगे। हेलो तीनू कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप क्या देखेंगे यहाँ पे अर्ली डिवीजन में, जो अर्ली क्लीवेज होते हैं वो रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज है। रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई कि स्टार्टिंग के जो डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे, पहला मेरिडोनियल, मेरिडोनियल का मतलब ऊपर से नीचे दो सेल स्टेज, दूसरा भी मेरिडोनियल होगा मतलब फोर सेल स्टेज, तो ऊपर से नीचे ही दूसरा भी हो रहा है, देखो फोर सेल स्टेज बन गई, 1 2 3 4 फोर सेल बन गई। अब तीसरा वाला कैसा होगा, इक्विटोरियल होगा, इक्विटोरियल होगा तो आप क्या देखोगे, 8 सेल बन जाएंगी, 8 सेल, 4 ऊपर 1 2 3 4 और 4 नीचे 1 2 3 4, ठीक है, 8 सेल स्टेज आ गई। 8 सेल स्टेज में आप क्या देख रहे हो, एट सेल स्टेज में आप क्या देख रहे हो, अब यहां से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। ऊपर की तरफ मेरिडोनियल होगा, नीचे की तरफ इक्विटोरियल होगा, ऊपर की तरफ डिवीजन जो होगा वो मेरिडोनियल डिवीजन होगा, नीचे इक्विटोरियल होगा। कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा से सेशन को देख लेना, मैंने दोनों टॉपिक सी एलिगेंस सी अर्चिन दोनों कवर किए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, बहुत ही क्रिस्प मैनर में, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में मैंने चीजों को समझाया। अब ऊपर क्या हो रहा है, मेरिडोनियल, मेरिडोनियल हो रहा है तो ऊपर ही क्या बनेगी, 1 2 3 4 से 8 सेल बन जाएंगी, 8 सेल बन गई। और इक्विटोरियल हो रहा है तो नीचे आप क्या देखोगे, जो सेल बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी, 1 2 3 4, और क्योंकि इक्विटोरियल हुआ है 1 2 3 4, इधर वाली जो सेल है वो एनिमल हाफ वाली सेल है, ऊपर वाली जो सेल्स है, ऊपर वाली सेल एनिमल सेल कहला रही है, एनिमल सेल, एनिमल पोल की सेल, तो AN सेल कहलाते हैं, एनिमल पोल साइड की सेल है, और ये वाली कौन सी सेल, वेजिटल साइड है, वेज सेल, वेजिटल सेल, ठीक है। तो एनिमल पोल की सेल है और वेजिटल पोल की सेल है, ओके। इनको हम बोल रहे हैं माइक्रोमियर, सॉरी इनको बोल रहे हैं हम मीजोमियर, मीजोमियर ये मेगामियर है, और ये क्या है, माइक्रोमियर है। सेल का नाम दिया गया, ऊपर वाली मिडिल साइज की है, मीजोडर्मल नेचर की है। हेलो महिमा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। ऊपर साइड की सेल के हैं मीजोमियर नेचर के हैं, ये मेगा नेचर के हैं, ये माइक्रो नेचर के हैं। अब ये आपकी कौन सी सेल स्टेज बन गई, 16 सेल स्टेज। अब आप क्या देखेंगे, ऊपर साइड में इक्विटोरियल डिवीजन होगा, बीच में मेरिडोनियल डिवीजन होगा, फिर इक्विटोरियल होगा, इस तरीके से फाइनली आप क्या देखोगे, 16 से 32 सेल स्टेज आएगी। 32 सेल स्टेज से आप क्या देखोगे, 64 सेल स्टेज आनी चाहिए, बट आती कौन सी है, 60 सेल स्टेज। कैसे आती है, चलो बना के ही दिखा देता हूँ। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल डिवीजन हो रहा है, इक्वेटोरियल मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल, ये ऐसे समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो दो लेयर बन गई, दो लेयर बन गई ना, क्योंकि इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ इसमें ऊपर वाली में, तो दो लेयर बन जाएंगी 8 8 की, है ना, एक एक पे ही 8 थी ना पहले, अब दो लेयर बन गई 8 8 की। इसमें मेरिडोनियल हो रहा है, 4 है तो मेरिडोनियल हो रहा है, मेरिडोनियल हो रहा है तो इसी पे 1 2 3
एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ सेल स्टेज इसी में बन जाएंगे क्योंकि मेरिटोरियल जो है नीचे इक्वेटोरियल हुआ, इक्वेटोरियल का मतलब एक दो तीन चार चार, एक दो तीन चार, इस तरीके की कंडीशन बन गई, राइट। अब इस कंडीशन में आप क्या देखोगे, जो डिवीजन होगा फिर से इस किस तरीके का होगा कि ऊपर यहाँ पे मेरिडोनियल, इन वाली में मेरिडोनियल, इसमें इक्वेटोरियल और इसमें फिर से मेरिडोनियल। और अब फाइनली आप एक चीज नोटिस करना कि हम इनका नाम क्या दे रहे हैं, ये AN1 की लेयर है, ये AN2 लेयर है, AN2 लेयर, ये मेलमीयर वाली, ये लार्ज माइक्रोमीयर, लार्ज माइक्रोमीयर और ये स्मॉल माइक्रोमीयर। लार्ज माइक्रोमीयर और अपने पास क्या है, बिल्कुल बिल्कुल दिनू, बिल्कुल बिल्कुल डेली 9 PM श्योर है, कोई बात नहीं है मीरा, कोई बात नहीं है, सेशन को दोबारा देख सकते हो, कल भी ये सेशन सेम टाइम पे होने वाला है 9 AM पे, ठीक है 9 AM पे। अब आप क्या देखेंगे, जो एक चीज नोटिस कर लो बेटा कि यहाँ पे ये जो स्मॉल माइक्रोमीयर है ये अगली बारी में डिवाइड नहीं करते, मतलब स्मॉल माइक्रोमीयर में चार सेल है जो डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखो 32 से आनी चाहिए 64 सेल स्टेज, मगर चार सेल डिवाइड नहीं होती, तो चार सेल जब डिवाइड करेगी तो चार और बनेगी, तो 64 में से आप चार माइनस कर दोगे तो यहाँ पे जो सेल स्टेज आएगी वो क्या आएगी, 60 सेल स्टेज, राइट। यहाँ पे कौन सी सेल स्टेज आ रही है, 60 सेल स्टेज, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एट सेल, एट सेल, आठ आठ सेल की AN1 AN2 बन गई। और देखो इसमें इक्वेटोरियल हो रहा है तो यहां पे आठ आठ की दो बनेंगी, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, फिर यहां पे लार्ज माइक्रोमीयर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और ये एक दो तीन चार, इस तरीके का है। हमारा 60 सेल स्टेज एम्ब्रियो बनके तैयार हो जाएगा, इसको बोलेंगे 60 सेल स्टेज एम्ब्रियो। एक बार और बता देता हूँ, CSIR एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं, चीजों को बहुत क्रिस्प मैनर में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में फिर बहुत डिटेल में धीरे धीरे भी बताऊंगा, बट एग्जाम आ चुका है, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। 7 वीक 7 यूनिट चैलेंज है, 7 वीक में अपन एग्जाम तक 7 यूनिट कवर करने वाले हैं, ठीक है। कोई बात नहीं तीनू, आप अभी अगर नहीं देख पा रहे तो बाद में देख लीजिएगा, अगर अभी पॉसिबल है देखना तो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब आ गई आपकी 60 सेल स्टेज, आया समझ में, समझ में आ गया क्या? अब देखेंगे इसके आगे, अब आप क्या देखोगे, अब आप क्या देखोगे, कंसेप्ट ऑफ यहां पे एक कंसेप्ट आता है कि लार्ज माइक्रोमीयर, लार्ज माइक्रोमीयर एक्ट एज, एक्ट एज लार्ज माइक्रोमीयर कैसे एक्ट करते हैं, एम टाइप सेल, एम टाइप सेल, या फिर एक्ट एज ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हो, एम टाइप की सेल है। तो ये बनाता क्या है, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, ये क्या बनाता है, और ये खुद तो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाएगा, कौन सी सेल, ये लार्ज माइक्रोमीयर की, ये जो सेल है ना ये वाली सेल एम टाइप के नेचर को शो करती है, कौन सी सेल एम टाइप के नेचर को शो कर रही है, ये पर्टिकुलर सेल, और ये खुद क्या बनाती है, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। और जस्ट ऊपर ये वाली सेल जो है ना, इन सेल में ये क्या बनवाएगा, इन सेल में एम टाइप की सेल अपने टच में जो सेल होती है उनको स्पेसिफिक फिट बनवाता है, तो इनको बनवाएगा ये नॉन स्केलेटोजेनिक, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम और नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, इस पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आज ही एक शॉर्ट वीडियो आएगी, आज ही हम एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियो ऑन, शॉर्ट वीडियो आएगी आज एक डबल नेगेटिव गेट,
डबल नेगेटिव गेट, डबल नेगेटिव गेट किसमें? इन सी अर्चिन एम्ब्रियो, उसमें मैं इसके डिटेल पार्ट को कवर अप करूंगा। ध्यान से देखिए, डबल नेगेटिव गेट इन सी अर्चिन, सी एस आई आर में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी एस आई आर में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पर प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, उसके एंड में कई सारे क्वेश्चन रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आप फाइनली एक चीज और समझिए कि अब क्या होगा इस वाले स्टेप में, यहाँ पे समझिए इसी स्टेप में, यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि अब ये 64 सेल स्टेज आया, 64 सेल स्टेज से आप क्या देखोगे, यहाँ पे एम्ब्रियो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे बीच में से ब्लास्टोसील, यहाँ पे कैविटी होगी, राइट। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक माइक्रोमियर की सेल इधर रहेगी, यहाँ पे कौन रहेंगे, ये लार्ज माइक्रोमियर यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे कौन रहेंगे, लार्ज माइक्रोमियर, लार्ज माइक्रोमियर। अब एक बार समझ लो, ये लार्ज माइक्रोमियर रहेंगे यहाँ पे, तो इस साइड में ये क्या करवाते हैं, इनवेजिनेशन करवाते हैं, लार्ज माइक्रोमियर की मदद से ही इधर साइड में क्या स्टार्ट हो जाता है, इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन। और ये लार्ज माइक्रोमियर की जो सेल है, यहाँ से यहाँ पे जो कैविटी होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक कैविटी मिलेगी, यहाँ पे पूरी इस तरह कैविटी मिलती है, इस कैविटी में ये इनग्रीशन की मदद से, कैविटी है, इस कैविटी में ये इनग्रीशन की मदद से, इनग्रीशन बोले तो इंडिपेंडेंट सेल आइसोलेशन, इंडिपेंडेंट सेल मूव करके इस रीजन में, यहाँ से इस रीजन में इंडिपेंडेंट सेल मूव करके क्या बनाएगी भाई, इनग्रीशन करके यहाँ पे मीजोडर्म बनेगी। ये ब्लास्टुला सेल स्टेज आ जाती है 60 सेल स्टेज के बाद, और फिर ब्लास्टुला के बाद आप क्या देखोगे, लार्ज माइक्रोमियर स्मॉल माइक्रोमियर बन चुके हैं, लार्ज माइक्रोमियर स्मॉल माइक्रोमियर के बाद अब ये लार्वा में आएगा, इस लार्वा को इस तरीके से अपन मेंशन करेंगे, कॉल्ड प्लूटियस लार्वा, ये लार्वल स्टेज में आएगी, प्लूटियस लार्वा बोलेंगे, ये प्लूटियस लार्वा में बदल जाएगा, और प्लूटियस लार्वा जो है फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये क्या कहला रहा है, मेटामॉर्फोसिस, प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज हाउ डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर इन सी अर्चिन, सी अर्चिन में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, लार्ज माइक्रोमियर एक्ट एज एम टाइप सेल ऑर्गेनाइजर सेल, जो कि स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाते हैं, और जस्ट अपने ऊपर वाली सेल पे, जस्ट अपर सेल पे, जस्ट अपर सेल पे नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनवाते हैं, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनवाएंगे। इस प्रोसेस को एक शॉर्ट वीडियो में जो आज अपलोड होगी उसमें हम देखेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट के इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये जो सी अर्चिन का टॉपिक है वो भी खत्म होता है। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैंने क्रिस्प मैनर में चीज़ों को समझाया है, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में चीज़ों को समझाया है। एक बार पूरी क्लास को समराइज कर देता हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ एक बार पूरी क्लास को, ध्यान से देखिए। हमने सी एलिगेंस से स्टार्ट किया, फर्स्ट हमने उसकी प्रॉपर्टीज को समझा, देन हमने देखा कि एक्सेस पैटर्निंग एंटीरियर प्रोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सेस कैसे बन रही है, यहाँ पे हमने प्रोसेस को समझा, फिर हमने देखा कि कैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स क्रिएट हो रही हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर को बनाती हैं, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो ए बी सेल है वो सी डी आर नेचर की और पी सेल एम टाइप की है, फिर हमने इसके बाद हमने देखा वल्वा फॉर्मेशन को, वल्वा फॉर्मेशन को तो चार स्टेप में हमने समझ लिया कि कैसे वल्वा फॉर्मेशन हो रहा है, चार स्टेप में जर्म सेल लिन 12 एक्सप्रेस कर रही है, फिर एक लेग 2 एक्सप्रेस कर रही है, एंकर सेल बन जाएगी, एंकर सेल लिन 3 रिलीज करेगी, लिन 3 लेग 23 से बाइंड करने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वीपीसी बनाएगा जो वल्वा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, फिर हमने इससे रिलेटेड सीएसआईआर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए, एंड देन हमने स्टार्ट किया इसके बाद सी अर्चिन को, सी अर्चिन के हमने कुछ प्रॉपर्टीज को समझा, हमने यहाँ पे ये देखा स्पर्म एग के पास कैसे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वो फर्टिलाइजेशन के इवेंट माइक्रोसोमल रिएक्शन और एक्रोसोमल प्रोसेस को बनाने के बाद मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देते हैं, फिर हमने देखा जायगोट बनने के बाद जो अर्ली डिवीजन है वो कैसे होते हैं और फाइनली कैसे एक एडल्ट बनता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है कि डबल नेगेटिव गेट का, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है डबल नेगेटिव गेट का, जिसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच्ड इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों आज के इस सेशन के लिए, आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे अब आपके ऑन टाइम मिलेंगी, 9 बजे की क्लास का टाइमिंग है, 9 बजे हम क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेशन को मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।